Hi everyone, this is Neha Tiwari. Welcome back you all on my YouTube channel Morning Buzz. आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है थायराइड. सो व्हाट इज थायराइड? सो इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ योर नेक जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल. ये करता क्या है? सो ये आपके मेटाबॉलिज्म और बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय रिलीजिंग अ स्टेडी अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स इन योर बॉडी. अब आप लोग बोलोगे जब ये इतना कुछ करता है तो हाउ इट कैन बी हार्मफुल टू योर बॉडी, राइट? सो हियर इज़ द आंसर. जब आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करता है तो इट स्टार्ट यूजिंग एनर्जी मोर देन यूजुअल. तो इससे क्या होता है? यू स्टार्ट लूजिंग योर वेट और इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. और जब आपका थायराइड ग्लैंड कम हॉर्मोन्स रिलीज करता है इट कैन मेक यू फील टायर्ड एंड देयर यू स्टार्ट गेनिंग वेट और इसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की. मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये सारे योगासन करने से आपके थायराइड बिल्कुल चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे, बट इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट आसन इज सर्वांगासन और फिर यहीं से हम हलासन में मूव करेंगे. तो अपने मैट पर लेट जाएं और फिर इनहेल करते हुए रेज योर लेग और फिर अपने पाम को वेस्ट पर रखते हुए अपने शोल्डर के सपोर्ट से लिफ्ट योर अपर बॉडी एंड होल्ड दिस पोजिशन फ्यू ब्रेथ. ये योगा पोज आपके अपर बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है एंड द वे योर चेन इज स्टक विथ योर चेस्ट इन दिस पोजिशन इट इज़ बिलीव टू बेनिफिट थायराइड फंक्शन. And then slowly bring your leg over your head. Or exhale karte hue, bring your leg to 90 degree and then relax. So our next yoga is fish pose. So sit on your buttocks with leg extended in front of you और एक टाइम पे अपने एक एल्बोज को मैट पर रखें ताकि सपोर्ट बना रहे. एंड स्लोली ओपन अप योर चेस्ट एंड देन ड्रॉप योर हेड. यहाँ पे भी आप जहाँ पर कंफर्टेबल हो वैसे ही स्टे करें. इफ़ यू फील कि आप ज़्यादा नीचे अपने नेक को नहीं लेके जा सकते हैं तो इट्स टोटली फाइन. इस पोज में जब आप अपने हेड को हैंग कर देते हो तो ये आपके थायराइड को स्टिमुलेट करता है बाय एक्सपोजिंग योर नेक एरिया. सो नेक्स्ट विल बी लेग्स अप द वॉल पोज. ये बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वॉल फॉर यू. लिफ्ट योर लेग्स अप अलोंग द वॉल एट द सेम टाइम एज यू लाई बैक. इफ़ यू वॉन्ट आप अपने हिप्स के नीचे कोई भी ब्लैंकेट या पिलो रख सकते हैं फॉर सपोर्ट. ये पोजिशन आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है सो इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू योर थायराइड इम्बैलेंस. आप इस पोजिशन को 5 मिनट तक होल्ड करें और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं. So our next yoga will be bridge pose. अपने मैट पर लेट जाएं और अपनी नीज को बेंड कर लें. अपने दोनों पाम्स को हिप्स के साइड में रख लें और फिर स्लोली इनहेल करते हुए लिफ्ट योर अपर बॉडी एंड देन ट्राई टू टक योर चिन टू द चेस्ट. ये आपके नेक को स्ट्रेच करता है और आपके थायराइड ग्लैंड में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है. इसे आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर करें और इसके आपको 3 रिपीटेशंस करने हैं.
एंड द लास्ट वन इज़ कोबरा पोज. सो अपने मैट पर लेट जाएं, अपने पाम्स को अपने चेस्ट के साइड में रख लें और फिर इनहेल करते हुए लिफ्ट योर अपर बॉडी और अपने नेक को यहाँ पे आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच देना है. दिस पोज इज़ अ पार्ट ऑफ वेरी बेनिफिशियल सूर्य नमस्कार. दिस पोज स्ट्रेचेस द नेक एंड थ्रोट रीजन, देयर बाय इंक्रीजिंग द थायराइड फंक्शन. इट इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म. सो पीपल विद बैक पेन और नेक शुड ऑल्सो डू दिस कोबरा पोज. तो अपने नॉर्मल डॉक्टर के विजिट और मेडिकेशन के साथ साथ आप ये सारे योगासन प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहे. टिल द टाइम स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल फॉर मोर फिटनेस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन.